देखो ये है महिंद्रा थार 5 डोर जो कि जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। अब इस वाली गाड़ी के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत सारे लोग इसके बारे में क्यूरियस भी है, इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। अब अगर आप उसी चीज के लिए इस वाले वीडियो में आए हो तो भाई एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि भाई इस वाली गाड़ी के बारे में ना आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। सारी जानकारी एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज से है, तो भाई गलत होने के चांसेस भी नहीं है, लेकिन उसके लिए भाई आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा जिससे आपको सारी जानकारी मिल पाए। और अगर ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपको इसको लाइक भी करना पड़ेगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, मोर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। शुरुआत में भीख मांग ली मैंने। जो नॉर्मल थार आती है मार्केट के अंदर वो ऑफ रोडिंग के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया है, उसके लुक्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उस गाड़ी की एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जो कि है प्रैक्टिकलिटी। अब उस गाड़ी के अंदर आपको खाली 2 ही दरवाजे देखने को मिलते हैं और अंदर स्पेस जो है वो भी प्रॉपर नहीं मिलता, 4 लोग बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं, और पीछे वाली सीट में तो कोई चढ़ना उतरना एक टास्क से कम नहीं है थार के अंदर। अब ऐसे में अगर जो लोग फैमिली के लिए कार यूज करना चाहते हैं थार को, तो भाई वो कर ही नहीं पाते, बहुत सारी फैमिलीज तो अलाउ भी नहीं करती थार लेके आओ तुम लोग। तो भाई ऐसे में जो ये थार 5 डोर आएगी ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाली है, इसमें आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगी जिससे इसमें ज़्यादा लोग बैठ सके, पीछे 2 दरवाजे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे जिससे चढ़ना उतरना भी इस गाड़ी में आसान रहेगा, नॉर्मल कार जैसी होगी बेसिकली है। साथ ही में ये भाई थार के ऊपर ही बनी हुई है, तो भाई जो थार वाली खूबियाँ है ऑफ रोडिंग वगैरह और जो माचो लुक्स है एकदम ऊँची ऊँची वाली गाड़ी की फीलिंग वो भी सब रहने वाली है इसमें। सोने पे सुहागा रहेगा कि भाई थार के मुकाबले में ज़्यादा फीचर दे देगी, ज़्यादा प्रीमियमनेस, ज़्यादा प्रीमियम कैबिन ऑफर करने वाली है, तो भाई वो भी सब चीज़ बढ़िया रहेगी इसमें। अब नॉर्मल थार के मुकाबले में इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो सब डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। शुरुआत करते हैं गाड़ी के डिज़ाइन से। तो देखो गाड़ी का डिज़ाइन थार वाला ही रहेगा, दूर से अगर आप देखो तो भाई आपको पता लग जाएगा कि भाई ये थार ही है, लेकिन नॉर्मल थार के मुकाबले में कुछ यहाँ पर कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि नॉर्मल थार के मुकाबले में अच्छी लग रही है, स्लैट वाली ग्रिल है। साथ ही में आपको यहाँ पर LED हेडलैम्प देखने को मिलेंगे जिसमें DRL वगैरह लगा हुआ है, और बम्पर वगैरह के ऊपर थोड़ी बहुत डिज़ाइन और थोड़ा बहुत फेंडर की डिज़ाइन डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये जो चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं डिज़ाइन में, खास करके स्पाई शॉट में, वो सभी आपको 2 डोर वर्जन में भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भाई 3 साल हो गए उस वाली गाड़ी को और उसका फेसलिफ्ट आना है, तो भाई वो फेसलिफ्ट का चेंजेस आपको स्पाई शॉट में दिख ही रहे हैं सारे। साइड से बात करें तो भाई साइड में नॉर्मल थार के मुकाबले में थोड़ी सी लंबी होगी, जिससे गाड़ी का व्हील बेस भी आपको ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, और व्हील आर्चेस वगैरह जो है उनमें भी आपको ऐसे थोड़े यूज चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो तो लगभग सेम ही रहने वाले हैं, दरवाजों का पैटर्न हो गया, जो हिंज वगैरह बाहर लगे होते हैं वो सब हो गया, रूफ का जो डिज़ाइन हो गया वो सब तो नॉर्मल थार जैसा ही होगा। रियर की बात करें तो भाई रियर में वही जो पीछे टेल गेट पर व्हील लगा हुआ है वो देखने को मिलेगा, एकदम बॉक्सी शेप आपको देखने को मिलेगी, सेम आपको टेल लैंप देखने को मिलने वाले हैं, और जो पीछे का दरवाज़ा है स्प्लिट पार्ट में ओपन होता है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा वहाँ पर। अब ओवरऑल जो बाहर का डिज़ाइन है वो तो भाई थार ही रहने वाली है, ये बस इसकी लेंथ ज़्यादा होगी जिससे आप थोड़ा बहुत इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। इंटीरियर के अंदर चलते हैं। देखो इंटीरियर का भी लेआउट एकदम सेम ही रहने वाला है, जो डैशबोर्ड आपको नॉर्मल थार में मिलता है वही यहाँ पर देखने को मिलेगा, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत एलिमेंट्स ऐड कर जाएंगे जिससे इसकी प्रीमियमनेस और बढ़ जाए। सेंटर कंसोल को यहाँ पर थोड़ा चेंज करा जाएगा, वहाँ पर आर्म रेस्ट वगैरह लगा दी जाएंगे जो कि नॉर्मल थार में नहीं आते। सीटें आपको लेदर अपोल्स्ट्री वाली देखने को मिलेगी इंटीरियर में, जो कि प्रीमियमनेस को और बढ़ाएगी। स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेगा नॉर्मल थार के मुकाबले में, नॉर्मल थार में आपको TUV वाला देखने को मिलता है, लेकिन ये जो 5 डोर आएगी इसमें आपको स्कॉर्पियो एन वाला स्टीयरिंग देखने को मिलेगा जो कि प्रीमियम होगा। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो भी बेटर देखने को मिलने वाला है, नॉर्मल थार में 7 इंचेस की छोटी सी स्क्रीन आती है लेकिन यहाँ पर आपको 10 इंचेस वाला देखने को मिलेगा, और जो इसका ये नॉब वगैरह देकर रखा हुआ है ये भी ऐसे प्रीमियम सा ही लग रहा है, मेटल फिनिश का होगा शायद से, तो भी अच्छा दिखेगा ये भी। अब नॉर्मल थार जो है उसके अंदर आपको जो रूफ है वो प्लास्टिक वाली देखने को मिल जाती है, लेकिन इस वाली थार के अंदर आपको ये प्लास्टिक वाली रूफ देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको पूरी मेटल बॉडी देखने को मिलने वाली है जिससे इसकी रूफ और ज़्यादा मजबूत होगी, और इसी रूफ के अंदर भाई जो नॉर्मल कार में रूफ लाइनर्स वगैरह लगे होते हैं वो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। स्पाई शॉट में मैंने देखा इसमें ऐसे ब्लैक रूफ लाइनर लगा हुआ है जिससे इस गाड़ी का थोड़ा एसेंस है वो अच्छा खासा बनकर आ रहा है। इसी के साथ में मेटल रूफ होगी, तो भाई इसमें आपको सनरूफ भी दे दी जाएगी जो कि नॉर्मल कार्स में आती है सनरूफ, वैसी सनरूफ रहने वाली है। हाँ पैनारोमिक आनी चाहिए थी इस वाले बजट में, लेकिन पैनारोमिक नहीं देकर रखी हुई, नॉर्मल सनरूफ ही है जो कि आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आए तो भी पीछे आपको ऐसे बेंच सीट देखने को मिल जाएगी पीछे वाली रो में, और मे बी अगर ये 7 सीटर लेआउट में आती है तो भाई इसमें आपको कैप्टन सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
अब महिंद्रा बोलेरो नियो या फिर अपनी जो पुरानी गाड़ी आती थी उनके अंदर जंप सीट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। बीच में ऐसे बेंच लगी होती है और पीछे जो डिक्की होती है उसको आप ऐसे डिक्की तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन अगर सामान नहीं हो तो भाई वहाँ दो जंप सीट लगी होती है जिस पर लोग बैठ सकते हैं। तो भाई वैसा लेआउट भी महिंद्रा थार के अंदर फॉलो कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें तीन फ्रंट रो वाली सीट तो लगना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई लेंथ इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ गई कि भाई इसमें तीन फ्रंट फेसिंग सीट लगा दी जाए। सभी सीट के ऊपर आपको सीट बेल्ट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पीछे की तरफ आपको रूफ के ऊपर ऐसे स्पीकर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, बाकी एज सच कोई एमिनिटीज तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, आर्मरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाए तो मिल जाए। एसी वेंट्स की बात करें तो भाई पीछे एसी वेंट्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, अब वो तो भाई गाड़ी आएगी तभी पता चलेगा, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। बाकी पावर विंडोज जैसे तो कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे आपको। अब इंटीरियर की बात कर ही रहे हैं तो भाई यहाँ पर फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो नॉर्मल थार में आपको बहुत सारे फीचर मिसिंग देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पावर स्टार्ट स्टॉप नहीं आता, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं आते, सनरूफ वगैरह नहीं आती, लेकिन इस वाली गाड़ी में आपको फीचर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पावर स्टार्ट स्टॉप आपको देखने को मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेयरिंग कंट्रोल सारे देखने को मिल जाएंगे, बड़ी टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर एड्रीनॉक्स वाले फीचर होंगे, इसी में आपको एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो सब देखने को मिलने वाला है। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो थार में नहीं आता था आज तक, बाहर से लगाना पड़ता था आपको, वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी महिंद्रा अपने म्यूजिक सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो भाई इसमें आपको सोनिक का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा जिसमें 10 स्पीकर के आसपास कुछ लगे होंगे, रूफ माउंटेड स्पीकर होंगे बेसिकली, अच्छा 3D सराउंड साउंड आपको ऑफर कर देंगे। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे फीचर आने के भी आसार लग रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो आएंगे। वायरलेस चार्जर इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है और सेंटर में आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा जो कि ऐसे बड़ा भी रहने वाला है, और उसके अंदर आपको स्पेस वगैरह देखने को मिल जाएगी, कूल्ड का फंक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा उसमें, टाइप सी पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, रियर के अंदर भी आपको चार्जिंग की सुविधा जो है वो ऑफर करी जाएगी। बाकी सनरूफ के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जिसके अंदर आपको नॉर्मल सनरूफ देखने को मिल जाएगी। अब थार ऑलरेडी एक शो ऑफ वाली कार है और उससे के साथ में ये सोने पे सुहागा इसमें सनरूफ लगाकर दे देंगे तो भाई ये गाड़ी की पॉपुलैरिटी और बढ़ने वाली है। तो भाई फीचर वाइज भी ये गाड़ी बढ़िया रहेगी, नॉर्मल थार के मुकाबले में ज़्यादा फीचर देखने को मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो भाई थार 5 डोर के अंदर आपको सेफ्टी फीचर भी बढ़िया देखने को मिलेंगे। अब ऑलरेडी ये वाली गाड़ी 4-स्टार रेटेड है, 1 स्टार कम क्यों मिला, क्योंकि भाई इसके अंदर प्रॉपर बॉडी देखने को नहीं मिलती, पीछे आपको प्लास्टिक का केबिन देखने को मिलता है, लेकिन ये वाली गाड़ी पूरी मेटल शेप में होगी, पक्का ये वाली गाड़ी 5-स्टार लेकर आएगी। इसी प्लेटफॉर्म पर स्कॉर्पियो एन बनी हुई है, तो भाई स्कॉर्पियो एन जो है वो आपको 5-स्टार रेटेड देखने को मिलती है, तो भाई वो सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी इसमें, तो भाई ये वाली गाड़ी में ना 5-स्टार रेटेड होगी। फीचर आपको यहाँ पर 6 एयरबैग, ABS, EVD, ESP, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। ऑफ रोडिंग के लिए भी आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह दे दिए जाएंगे। तो भाई सेफ्टी वाइज भाई यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करा जाएगा, अच्छी सेफ्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं गाड़ी की थोड़ी मैकेनिकल चीज़ें जैसे कि पावर ट्रेन, ऑफ रोड और सस्पेंशन वगैरह के ऊपर। देखो गाड़ी के अंदर वही सेम दो इंजन ऑफर करे जाएंगे जो कि इनकी थार अभी जो टूर आती है उसमें स्कॉर्पियो एन अलेक्सी V7W के अंदर देखने को मिलते हैं। 2 लीटर का एम स्टेलेंट पेट्रोल इंजन जो कि डिफरेंट पावर ऑफर कर देता है नॉर्मल थार के अंदर, तो भाई ये 150 BHP देता है, लेकिन थार 5 डोर के अंदर ये पावर फिगर्स बढ़ा दिए जाएंगे, 200 BHP तक ये वाला इंजन पावर प्रोड्यूस करने वाला है थार 5 डोर में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भाई थार जो है वो बड़ी हो गई है, वेट वगैरह ज़्यादा हो गया है, तो भाई पावर टू वेट रेशियो मेंटेन करने के लिए पावर को बढ़ा दिया जाएगा, जो पावर फिगर्स आपको XUV और स्कॉर्पियो एन में देखने को मिलते हैं वो सेम इसमें देखने को मिल जाएंगे। 2.2 लीटर का M1 डीजल इंजन इसके अंदर देखने को मिलेगा और ये वाला भी इंजन जो है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। 2 डोर में ये वाला इंजन खाली 130 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर ये इंजन 185 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और टॉर्क वगैरह भी सेम ही ऑफर करने वाला है 400 Nm का। दोनों इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी देखने को मिल जाएगा। अब महिंद्रा का जो ये पेट्रोल डीजल के इंजन का जो सेटअप है ऑटोमेटिक और मैनुअल के साथ में, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है। सबसे पहले थार में इंट्रोड्यूस करा था, उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लोग इसके दीवाने भी होते जा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है अपने दूसरे कॉम्पिटिशन के मुकाबले में, चाहे वो XUV में हो गया या फिर स्कॉर्पियन के अंदर हो गया या फिर इनकी खुद की थार में हो गया। इसी के साथ में ये वाली गाड़ी 4x2 और 4x4 दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होगी।
आपको 4x2 लेनी है तो भाई वो वेरियंट्स आपको 2 से 3 लाख रुपये तक सस्ते देखने को मिल जाएंगे, और 4x4 लेनी है तो भाई वो थोड़ी आपको महंगी पड़ने वाली है। बस थार जो नॉर्मल वाली आती है उसमें सस्पेंशन आपको थोड़े ऐसे रफ एंड टफ देखने को मिलते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है वो, तो भाई उतना कंफर्ट आपको सस्पेंशन में देखने को नहीं मिलता। लेकिन थार 5 डोर के अंदर आपको स्कॉर्पियो आयन वाला जो भी सस्पेंशन सेटअप है वो देखने को मिलेगा। गाड़ी का पीछे का जो एक्सल वाला एरिया है वो भी लगभग पूरा स्कॉर्पियो आयन वाला ही देखने को मिल रहा है आपको, तो भाई ये कंफर्टनेस जो है वो आपको स्कॉर्पियो एन के लेवल की मिलने वाली है। तो अगर आप सोच रहे थे कि भाई थार तो भाई सस्पेंशन वाइज बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है तो भाई 5 डोर क्या ही कंफर्टेबल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, स्कॉर्पियो एन वाले सस्पेंशन यहाँ पर ऑफर करे जाएंगे, थोड़ा कंफर्टनेस बढ़ाया जाएगा सस्पेंशन में, तो भाई वो चीज़ इसमें बढ़िया देखने को मिलेगी। अब जो नॉर्मल थार ऑफ रोडिंग कर देती है आपको एकदम भयंकर वाली, वैसी तो भाई आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इसके डायमेंशन बड़े हो चुके हैं, व्हील बेस बढ़ गया है, तो भाई जो रैंप ओवर एंगल है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है, बम्पर थोड़े यहाँ पर डिफरेंट यूज़ करेंगे, तो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल जो है वो थोड़ा ऐसे डिफरेंट रहेगा, तो भाई वहाँ पर थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग में फ़र्क आएगा। बाकी बॉर्डर वेटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी की अभी भी बढ़िया रहने वाली है, जो आपको नॉर्मल थार में देखने को मिलती है वैसे ही देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इस गाड़ी को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो भाई देखो नॉर्मल थार के मुकाबले में ये थोड़ी ऐसे लंबी रहने वाली है, जिससे आपको इसके अंदर स्पेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, फीचर आपको नॉर्मल थार के मुकाबले में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और केबिन के अंदर आपको जो चीज़ें देकर रखी हुई है उससे थोड़ी ऐसे प्रीमियम इस गाड़ी की आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। सस्पेंशन वगैरह इसमें अच्छे करेगा है तो भाई सस्पेंशन वाइज ये गाड़ी थोड़ी कंफर्टेबल भी रहेगी। अब जो नॉर्मल थार ऑफ रोडिंग कर लेती है वो तो भाई ये नहीं कर सकती, क्योंकि भाई फिजिक्स के लॉ भी तो यहाँ पर आते हैं थोड़े बहुत। बाकी अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो भाई प्राइसिंग इसका रहने वाला है करीबन 15 से 20 लाख रुपए। मैं यहाँ पर ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ, 15 लाख तक इसका बेस वेरिएंट ऑन रोड देखने को मिल जाएगा, और 20 लाख या फिर 21-22 लाख रुपए तक आपको इसका टॉप वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्च की, तो भाई देखो लॉन्च इस वाली गाड़ी का थोड़ा सा डाउटफुल है। अब महिंद्रा यूजुअली अपनी गाड़ियों को 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर को लॉन्च करता है, अब इस वाली गाड़ी को अगर उतना लंबा खींचे तो भाई इसको आने में करीबन 6 से 7 महीने हैं, अक्टूबर में आएगी तो भाई पूरे 10 महीने हैं, तो भाई मेरे हिसाब से इतना लंबा तो भाई इसको नहीं खींचने वाले, क्योंकि भाई गाड़ी ऑलरेडी प्रोडक्शन रेडी लग रही है हमको। अब महिंद्रा भाई अगर फर्स्ट क्वार्टर में कोई डेट निकालता है मार्च या फिर अप्रैल तक तो फिर तो सब सही बात रहने वाली है, या फिर अगर चाहे तो भाई वो 26 जनवरी जो है उसके दिन भी इस गाड़ी को लॉन्च कर सकता है, महिंद्रा अपने ऐसे बड़े बड़े मौके ढूंढता रहता है। तो भाई लॉन्च वाइज मेरे को अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन और जो ये पिन कमेंट है वो देख सकते हो, जब भी इसकी ऑफिशियल सोर्सेज से पता चलता है तो भाई मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। अब भी एक्सपेक्टेड की बात करें तो भाई हाँ मार्च अप्रैल तक ये वाली गाड़ी लॉन्च हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, मेरा भाई अनुमान तो भाई 26 जनवरी का है, 15 अगस्त को लॉन्च कर ही रहे हो तो भाई 26 जनवरी को खाली क्यों जाने देते हैं, उसी दिन लॉन्च कर दो, लेकिन भाई मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। तो बस ये थी थार के बारे में सारी खबरें जो कि मेरे पास थी, मैंने आपको सारी बता दी। अब और भी कुछ जानना चाहते हो तो भाई आप पिन कमेंट और ये सब देख सकते हो, जो भी नई अपडेट्स होगी वहाँ पर सारी अपडेट कर दी जाएगी। बाकी कुछ टॉपिक वगैरह पर वीडियो चाहिए अगर इंटरेस्टेड हो ऑटोमोबाइल वगैरह के अंदर तो भाई आप लिख सकते हो कमेंट्स में, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूँगा, बना ही लूँगा, क्योंकि भाई टॉपिक्स की कमी रहती है हमेशा। बाकी और बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, इंस्टाग्राम पर बात करते हैं चलो, और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन वगैरह दबा सकते हो, वही सारी चीज़ें घिसी-पिटी सब वही है, क्या है सब करना हो तो कर दो, पड़ा है फ्री एकदम सब कुछ। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।